Hello and welcome everyone. Myself Mahendra Singh, I am BTech gold medalist and this is our fantastic behtareen India ki best top team bachcho, ye hai India ki best Unacademy NEET पर इंडिया की बेस्ट नीट और एम्स प्री मेडिकल एग्जाम्स की टीम जो आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए यहां पर तत्पर है. बस आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से इंजॉय करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए. बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने अभी तक जहां तक भी पढ़ा है, आप लोगों का अमेजिंग रिस्पॉन्स है. बच्चों, इतना मजा आ रहा है ये फ्री और क्वालिटी एजुकेशन आपको देने में कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने को. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 6, और देखते हैं. सबसे पहले कई सारे बच्चे टेलीग्राम ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं. टेलीग्राम ऐप अपने फ़ोन में आप भी डाउनलोड करिए और ये जो लिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, tinyurl.com/neetlivechat, इसको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाके डालिए. राइट, लाइक गूगल क्रोम और एक्सप्लोरर और ओपेरा मिनी एटसेट्रा एटसेट्रा, वॉट एवर ब्राउज़र यू हैव. राइट, और जैसे आप इंटर करेंगे यू विल बी ज्वाइन विद अस और आप डाउट्स पूछ सकते हैं और उन डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं और अपनी जर्नी को आप आगे बढ़ा सकते हैं. बच्चों चलिए जी, सो यहां पर YouTube पर तो हमारी फैंटास्टिक टीम जो है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे ही रही है, बट आप मोर पर्सनलाइज्ड वे में गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं वन टू वन इंटरेक्शन, आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो और बेहतरीन रैंक के साथ पूरा हो. बच्चों, तो आप Unacademy लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, आप उसे इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद में आप जाइए, एक मिनट बच्चों, इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करने के बाद में आपको प्लस सेक्शन पे जाना है. बच्चों, और प्लस सेक्शन पे जाने के बाद में आपको प्री मेडिकल एग्जाम्स जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारा सपना है, यस, आपका और हमारा, Unacademy के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हम आपके सपने को पूरा करने के लिए तत्पर है. बच्चों, प्री मेडिकल सेक्शन आप सेलेक्ट करें और उसके बाद में 1 month, 3 month, 6 month और 12 month का सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देगा. सबसे किफायती पड़ता है बच्चों 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत किफायती है. एंड एज आई कीप सेइंग, एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया गया पैसा 1000 times ज्यादा होकर आपको मिलता है. तो इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए बस आपको ये नीट लाइव का कोड यूज करना रहेगा. इस कोड को यूज करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि इस कोड को अगर आप यूज करते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट एडिशनल बच्चों आपको 10% का क्या मिल जाएगा डिस्काउंट, तो ये कॉस्ट और भी रिड्यूस हो जाएगा एंड यू विल लव इट. बच्चों, जस्ट 60 rupees पर डे, और पर क्लास की अगर बात करो तो 20 rupees में आपको फिजिक्स, 20 rupees में केमिस्ट्री और 20 rupees में आपको बायोलॉजी मिल जाएगी. बच्चों, है ना अमेजिंग बात. चलिए, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट हम बात करते हैं. अभी तक हमने फोर्स के बारे में बात करा था और फोर्स आपको मैंने सिखाया, मैंने बहुत एंजॉय किया सारे सेशंस को, आपका अमेजिंग रिस्पॉन्स मुझे मिला. अब नई कड़ी की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन जो इसकी उससे समझते हैं. रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल इनटू व्हिच व्हेन अनदर चार्ज पार्टिकल इज ब्रॉट इन इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब यार ये जो लिखा हुआ बात है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं ये कैसे है. एक स्टोरी से, एक बेहतरीन बात से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर करने की कोशिश करता हूं, उसको समझेगा आप. ये रही बच्चों, ये है आपके प्रिंसिपल मैम यहां पर, राइट, और ये है आपके प्रिंसिपल मैम के आसपास का रीजन, और यहां पर यहां ये इस बोर्ड को आप अपने स्कूल का ग्राउंड समझना बच्चों, इस बोर्ड को आप समझना अपने स्कूल का ग्राउंड, और ये है यहां पर आप, राइट. अब एक्चुअल में जहां तक आपके मैम की नजर पहुंच सकती है वो है ये रीजन, ये जो गोला आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, दिस इज द रीजन जहां तक आपके मैम की नजर आप तक पहुंच सकती है. अगर मैं आपसे पूछूं तो समझेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन को, तरीका देखिएगा बच्चों, राइट. तो ये जो आप हैं, अगर आपके मैम की नज़र आप पे नहीं पड़ रही है तो यहाँ पर आप बहुत मस्ती करेंगे, शोरगुल करेंगे, हल्ला करेंगे, आपके साथ आपके बाकी सारे दोस्त भी होंगे, वो भी नाचेंगे गाएंगे और बहुत सारी मस्ती आप यहाँ पर कर रहे हैं. लेकिन सपोज अगर आपको मैं कहूं कि आपको यहां से चलकर यहां आना है, तो जैसे जैसे आप अपनी मैम के नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे आपका शोरगुल, आपका हल्ला, आपकी मस्ती कम होती चली जाएगी बच्चों. और जैसे ही आप एक स्पेसिफिक रीजन में पहुंचेंगे, जैसे ही आप यहां पर आएंगे, यू विल नॉट एबल टू डू एनी पर्टिकुलर थिंग बच्चों, आप मस्ती नहीं कर पाएंगे. आपको एक समझदार और आइडियल बच्चे की तरह यहां पर खड़ा रहना पड़ेगा.
ऐसा क्यों? तो आप एक्चुअल में क्या हो चुके हो, अपने प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर की नजर में आ चुके हो। मतलब ये वो एक्चुअल में, अगर मैं इसको कहूं तो मैं यहां पर जो समझा रहा हूं उस बात को समझिएगा, ये जो प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर है, ये है बच्चों सोर्स। ये क्या है बच्चों? सोर्स है जो आपके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अगर ये नहीं होते तो आप यहां पर भी मस्ती कर रहे होते, लेकिन चूंकि ये है तो आप यहां मस्ती नहीं कर पाओगे। तो ये कौन है? आप जो है, आपको मैंने कह दिया यू आर, मान लीजिए टेस्ट चार्ज की तरह यूज कर रहा हूं बच्चों, मैं कैसे यूज कर रहा हूं आपको, टेस्ट चार्ज की तरह। तो आप समझिए जरा बात को, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है, देखिएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ट्वेल्थ का जो पूरा फिजिक्स है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो दिखाने की ये प्रोसेस है बच्चों। तो जैसे ही ये बच्चे क्या होंगे, इस प्रिंसिपल के एक पर्टिकुलर जोन में, इस प्रिंसिपल सर या मैम के इनके पर्टिकुलर जोन में जब इंटर करेंगे तो उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा। और ये जो रीजन है जहां तक, अगर आप यहां पर हैं तो यहां पर प्रिंसिपल का फोर्स नहीं है, मतलब एक्चुअल में यहां प्रिंसिपल सर का रीजन एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना प्रिंसिपल सर के ऑल अराउंड, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलर टू दैट, आप समझिएगा, सिमिलर टू दैट अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर कोई सोर्स चार्ज है बेटा, दैट इज ये क्यू, इसको मैंने क्या नाम दे देना है, तो समझिएगा आप, इसको मैंने कहा बच्चों सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज के आसपास, इस सोर्स चार्ज के आसपास ऑल अराउंड रीजन, यहां पर एक आसपास एक रीजन होगा जिसमें अगर आप कोई एक टेस्ट चार्ज, मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा बेटा क्यू नॉट, ये कौन है क्यू नॉट, तो ये है बच्चों मेरा टेस्ट चार्ज। अगर मैंने यहां पर क्या किया, इस रीजन में इस क्यू नॉट को लेके आया, तो ये क्यू नॉट के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस रीजन को, इस जोन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, तरीका बहुत अमेजिंग है, राइट जी। चलिए अब नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई ये तो क्लियर हो गया कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन उस जोन की वैल्यू, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें कैसे पता चले? तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप उस जोन में इंटर करते हैं तो आपके प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम आपके ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चों, एक फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलर टू दैट अगर आप यहां पर क्या करेंगे, इस चार्ज की बात करेंगे, तो ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, लिख के रखा हुआ है, राइट। अब चलिए जरा, तो यहां पर एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका डेफिनेशन होता है बच्चों, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट। क्या होगा बच्चों? F डिवाइडेड बाय Q नॉट। यहां पर अगर इस F की बात करें तो कैसा क्वांटिटी है बच्चों? ये है वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो Q नॉट है, ये तो स्केलर होता है, राइट बच्चों, ये क्या होता है? स्केलर। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होना चाहिए? मस्ट भी वेक्टर होना चाहिए। लिख के भी रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग the force on positive charge, directed along the force on the positive charge। अब इसका मतलब समझेगा, ये जो यहां पर actually test charge है ना, ये वाला, इसको हम positive बोल रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये सोर्स चार्ज कैसा हुआ बच्चों, पॉजिटिव, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सोर्स पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगा, उस सोर्स से अवे होगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर ये सोर्स चार्ज कैसा हुआ बच्चों, नेगेटिव, और ये क्यू नॉट, तो आप पॉजिटिव ही लोगे। तो अगर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ राजा, तो फिर यहां पर फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। मतलब अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे रेडियली अवे होगा। और अगर सोर्स चार्ज कैसा हुआ बच्चे, नेगेटिव हुआ, तो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स होगा। चलिए, तो यहां पर इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो न्यूटन पर कॉलम, क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, कॉलम चार्ज का यूनिट होता है, मैंने लिख के रखा हुआ है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो है ध्यान रख लीजिएगा, E इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए टू द पावर माइनस 1, दैट्स इट। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिख के रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
at a point where the electric field intensity is given by, right? अब अगर आप यहां पर समझे तो मैं एक तरीका आपको समझाता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या समझा पीछे वाली स्लाइड में कि कहीं पर अगर सोर्स है, मान लीजिए ये Q, और मैं इसको कैसा ले रहा हूं बच्चों, तो देखिएगा जरा, ये है मेरा पॉजिटिव सोर्स। कैसा सोर्स है बच्चों? पॉजिटिव सोर्स है। अब आपसे कहा था कि इस पॉजिटिव सोर्स के लिए, मान लीजिए थोड़ा सा आगे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा तो आपको और भी क्लियर होगा। तो ये जो पॉजिटिव सोर्स है, इस पॉजिटिव सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, मैंने ऐसा बोल दिया कि मान लीजिए ये इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दिखती है बच्चों। अब आप यहां पर क्या समझेंगे, देखिए अगर आपने यहां पर रखा, क्या रखा, तो आपने रखा यहां पर एक चार्ज और वो चार्ज है आपका पॉजिटिव। कैसा चार्ज है बच्चों? तो ये जो क्यू है ये है पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ये सोर्स कैसा है? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्टेड है बच्चों? राइट साइड। अब अगर ये भी पॉजिटिव है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इनके दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा बच्चों? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन होगा। मतलब इस Q के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी क्या? तो वो हो जाएगी बच्चों F इज इक्वल टू Q इंटू में E। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तो अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा बच्चों F इज इक्वल टू Q इंटू में E, और उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि सर अगर ये चार्ज कैसा होता, नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव अगर होता तो ये एरोज मुझे चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में मजेदार बात क्या है बच्चों? मजेदार बात जो है, ये क्यों यहां पर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब इधर ही क्यों नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि अभी समझाया था क्या कि ये अगर क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगी बच्चों, और अगर ये क्यू नेगेटिव हुआ तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? टूवर्ड्स होगी। तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर अगर मैं नेगेटिव सोर्स चार्ज रखूं तो आपको बात समझ में आती है कि सर आप बिल्कुल सही तरीके से रख रहे हैं बच्चों? बात समझ में आ रही है ना जी? तो देखिए अब यहां पर ये जो माइनस का सोर्स चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी। अब अगर आपने यहां पर क्या रखा, अगर आपने यहां पर रखा कोई चार्ज, कैसा है वो? नेगेटिव है। कैसा है बच्चों वो? नेगेटिव। तो समझना जरा बात को ध्यान से, अगर आप समझेंगे तो आपको बात क्लियर होगी। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? धक्का देगा। क्या करेगा बच्चों? धक्का देगा। और जब धक्का दे रहा है तो वो फोर्स कितना होगा? तो ये जो फोर्स है ना, इधर लिख रहा हूं, ये फोर्स हो जाएगा सर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई। लेकिन यहां पर अगर आप इस F की डायरेक्शन देखें, अगर आप यहां पर इस F की डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगा बेटा? ये F की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से ओपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, राइट, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर यहां पर कभी भी कोई भी प्लस चार्ज अगर हो, इफ अ प्लस चार्ज इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इक्वल्स टू क्यू ई बट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कारण समझ में आया बच्चों? कारण समझ में आया? आपका प्यार मुझे चैट बॉक्स में दिखा दीजिएगा, आपका प्यार मुझे कॉमेंट सेक्शन में दिखा दीजिएगा। यहां पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसकी प्रॉपर्टी में, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फोर्सेस के केस में कि अगर एक ही पॉइंट पर अगर हमें बहुत सारे सोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा बच्चों? वेक्टर सम होगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अलग अलग सोर्सेस के कारण सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्टरली एड कर देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वैक्टर क्वांटिटी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इधर देखिए जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपको करना क्या है, तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको गारंटीड एक क्वेश्चन मिल सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। या तो वो फोर्स से पूछेगा, या वो फील्ड से पूछेगा, या फिर पोटेंशियल से पूछ सकता है। उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों,
तो हर एक टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत स्ट्रेस करके पढ़ना चाहिए। तो ये जो है जनरल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ब्रिंग इन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्या करना है अभी इधर देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसे आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, समझिए जरा आप यहां पर ये क्या है, ये क्यू जो है इसे मैं यहां पर बोल दे रहा हूं कैपिटल क्यू, और ये कौन है, तो आप इसे बोलेंगे सर सोर्स चार्ज, क्या बोलेंगे बच्चों आप इसको, दिस इज माय सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे रखे क्यू नॉट पर, आर डिस्टेंस पे रखे क्यू नॉट पर, जिसे आप क्या कहेंगे बच्चों, आप इसे कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए यार, अगर ये पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जो कि हमने पढ़ा है बच्चों और आप सब लोग फेमिलियर है, वो क्या होता है सर, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होती है सर, ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, बस जस्ट क्या किया, तो मैग्नीट्यूड वी आर कैलकुलेटिंग ना, तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे मोड में लिखते हैं बच्चों, तो मोड में रखा और ये हो जाएगा सर के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट से डिवाइड हो रहा है, ये क्यू नॉट जो यहां पर ये डिवीजन वाला, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर मुझे वेक्टर नोटेशन में लिखना हो, किसमें लिखना हो बच्चों, वेक्टर नोटेशन में, चलिए जी आ जाते हैं, अब आपको समझाते हैं वेक्टर नोटेशन। तो ये जो Q है ये सोर्स है, और ये जो Q नॉट है ये क्या है सर, ये है आपका टेस्ट। तो Q से Q नॉट की तरफ एक एरो मैंने बनाया और इसको मैंने कहा सर R वेक्टर। तो एक्चुअल में इस F की डायरेक्शन में ये R है, क्योंकि ये कैसा है, ये पॉजिटिव सोर्स है, कैसा सोर्स है बच्चों, ये पॉजिटिव सोर्स है। और मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव सोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, तो उससे अवे होगी बच्चों। तो ये जो वेक्टर है इस F की डायरेक्शन में है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही आएगी बच्चों। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या करना चाहिए, तो इस मैग्नीट्यूड में मुझे एक R, मुझे इस मैग्नीट्यूड में क्या करना चाहिए, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो ये करना चाहिए बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पर मल्टीप्लाई करना चाहिए आर यूनिट केप। ये क्या है, तो बेसिकली दिस इज वॉट, तो यू हैव टू राइट सर, ये है यूनिट वैक्टर अलॉन्ग, यूनिट वैक्टर along कहां पर, तो आप लिखेंगे सर e vector। बात समझ में आ रही है राजा, एंड यू ऑल आर फैमिलियर विद आर कैप, अगर नहीं किसी को पता है तो आप जाइए और मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 फॉलो करिए, मैंने एक एग्जांपल लेकर ये समझाया था आपको। अब ये जो आर यूनिट वेक्टर है इसको आप क्या लिखोगे, तो इसको लिखेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, बेसिकली ये हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो इसी को उठा के जब मैं यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा आर वेक्टर और डिवाइडेड बाय एक आर, तो आर स्क्वायर पहले से था, आर क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों वेक्टर फॉर्म में। डोंट वरी, जिस तरह से अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपको आपकी मुट्ठी में करवाया है, फिंगर टिप्स पर करवाया है, उसी तरह से इनके भी न्यूमेरस एग्जांपल्स हम करेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए एक बात बस यहां पर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन की जब बात आती है बच्चों, तो रेडियली अवे फ्रॉम क्यू इफ क्यू इज मोर देन जीरो, मतलब अगर आपका क्यू कैसा होता है बच्चों, अगर आपका क्यू पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर होगी, और अगर आपका क्यू कैसा हुआ, अगर आपका क्यू नेगेटिव हुआ, दैट इज बेसिकली लेस देन जीरो अगर हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स होगी। ये दो बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करके रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये काम आएंगे। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब ये तो था सर पॉइंट चार्ज के कारण, तो इस फॉर्मूले को याद रखना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा सर, आर स्क्वायर। कुछ बातें मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूं यहां पर, जिससे आपको तकलीफ नहीं हो, कम से कम तकलीफ हो या होगी ही नहीं, क्योंकि दिस इज एन अकेडमी अनबीटेबल अनबिलीवेबल अनमैचेबल And unstoppable also बच्चों। तो ये जो Q है इसे हम क्या कहेंगे, This Q is known as बच्चों source charge, क्या कहेंगे बालकों इसको, हम source charge कहेंगे। R क्या है यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, R को मैं कह रहा हूं distance of PUC from
फ्रॉम कहां से तो क्यू। अब समझना बात को ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ पीयूसी का मतलब क्या है? पीयूसी का मतलब है पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। मैं यहां पर जो है पीयूसी इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा यूज करूंगा अब इसको बेटा। पीयूसी का फुल फॉर्म है पॉइंट अंडर क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, दैट इज वो पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये इतना डब्बा आप अलग से थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए बालकों, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, आपका प्यार चैट बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं देख ही सकता हूं। चलिए जी आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहां पर काम करना, यार ये जो चार्जेस हैं सर जी हमेशा पॉइंट चार्ज हो ये जरूरी तो नहीं है। एक स्फीयर दिया जा सकता है, रिंग दी जा सकती है, लाइन चार्ज हो सकता है, चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी पर्टिकुलर सेक्शन। तो जब चार्ज आपका कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज आपका कैसा होगा बच्चों? कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। एज यू हैव स्टडीड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन 11th स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, कि मास जो होता है पॉइंट मास भी हो सकता है या पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जस्ट सिमिलर टू दैट, यहां पर जो चार्ज है उसे हम बॉडी के ऊपर या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो पॉइंट चार्ज अगर नहीं हुआ तो फिर हमें कैसे डील करना है उस पर आ जाते हैं। तो जब भी आपका चार्ज कैसा होगा बच्चों? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले हमें, मैं अभी आपको बस नेक्स्ट स्लाइड में ले ही जाने वाला हूं वहां पर कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखना होगा, D इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिसमें ये डी क्यू क्या है? तो डी क्यू को हम लिखेंगे बच्चों चार्ज ऑफ एन एलिमेंट। किसका हो जाएगा बच्चों? ये चार्ज ऑफ एन एलिमेंट। और जिस एलिमेंट को आप क्या बोल सकते हो? तो इस एलिमेंट को आप बोल सकते हैं कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। इसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? दिस इज कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। तो अगर आप इसे पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हो, तो मैंने डी क्यू को बहुत छोटा सा मान लिया पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अभी पढ़ा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या लिखी है आपने? डीई। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे से चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भैया बहुत छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटी होगी बालको, इसलिए हमने उसे DE लिखा हुआ है। वेक्टर नोटेशन में फिर वही बात आ गई, केवल और केवल क्या करना है? R यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है। और चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो सर, दिस DE वेक्टर कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा सर K, चार्ज हो जाएगा स्मॉल आपका DQ, नीचे हो जाएगा R क्यूब और इनटू में हो जाएगा R वेक्टर, क्योंकि आपको पता है सर R यूनिट वेक्टर R वेक्टर डिवाइडेड बाय R होता है। चलिए, तो टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो छोटी सी फील्ड पता है ना, तो बहुत सारी छोटी 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 फील्ड को जोड़ के आपको एक बड़ी फील्ड बनानी पड़ेगी, राइट? तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज हमें समेशन करना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को अगर जोड़ना है तो यहां मैथमेटिक्स थोड़ी लगानी पड़ेगी बच्चों, और हम बोलेंगे यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ डी, तो के आपका कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में बचेगा क्या? डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये यूज कैसे करना है तो ये वन बाय वन हम सीखेंगे। चलिए, मैंने यहां पर एक्चुअली आपको समझाने के लिए, देखिए तीन तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बच्चों। सबसे पहले एक चार्ज कैसा हो सकता है? तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है बच्चों? तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिएगा जरा, इसका मतलब यह है कि इस तरह का चार्ज जो है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? तो चार्ज जो है आपका बच्चों, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों आप? तो आप लिखेंगे सर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओवर लेंथ होगा। और अगर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं? एग्जांपल में ले सकते हैं एक लाइन के ऊपर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, समझेगा जरा बात को ध्यान से बच्चों, राइट जी। या फिर आप ले सकते हैं कि सर एक ऐसी रिंग हो, रिंग के ऊपर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, ये क्या हो बच्चों? रिंग हो, रिंग के ऊपर इस तरह से। आपका एक आर्क हो सकता है इस तरह का, जिसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो बेसिकली हमें यहां पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसे कहेंगे लैम्डा, और लैम्डा क्या होगा? क्यू डिवाइडेड बाई एल। ये क्यू क्या होगा? चार्ज जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये एल क्या होगा? लेंथ ओवर विच, लेंथ ओवर विच चार्ज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट।
चार्ज इज टू बी क्या करना है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात समझ में आ रही है? तो लैम्डा क्या होगा, तो रंग कलर बदलकर यहां पर आपको समझाते हैं कि लैम्डा हो क्या जाएगा। हियर दिस लैम्डा इज, ऊपर यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चों, लैम्डा को हम बोलेंगे बच्चों दिस इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगी बच्चों, दिस इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्लीज रिमेंबर। अब ये था जिस तरह से लाइन चार्ज का कॉन्सेप्ट, सिमिलर टू दैट अगर आपका चार्ज क्या किया जाए, दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज आपका क्या हो सकता है, क्यू कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। कहां पर किया जा सकता है बच्चों, क्यू कैन बी, तो ये एरो क्या बताता है, ये एरो बताता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्यू कैन बी डिस्ट्रीब्यूट ओवर एरिया। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं डिस्क का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल ले लीजिए, डिस्क का। ये रही आपका चार्ज जो है इस तरह से पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जब चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो यहां आप यूज करेंगे सिग्मा और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A। ये क्या होगा, तो दिस इज आपका चार्ज होगा बच्चों और ये A क्या होगा, एरिया ओवर विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट, और सिग्मा क्या होगा, कलर बदलते हैं और लिखते हैं इसको हम बोलते हैं बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, दिस इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो मजेदार है, और वो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो आपका क्यू है, बेसिकली मुझे ऐसे लिखना चाहिए, देखिए जरा, राइट, सिमिलर टू दैट अगर मैं सेकेंड केस की तरह अगर उसे देखूं, डील करूं बच्चों, तो आई हैव टू राइट लाइक दिस, जो आपका चार्ज है क्यू, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट कहां पर, ओवर वॉल्यूम। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, तो एग्जाम्पल लिखोगे बच्चों स्फीयर का, एग्जाम्पल किसका लिखोगे बच्चों, स्फीयर का, राइट, ये क्या है, तो दिस इज आपका स्फीयर है। समझने का बात को ध्यान से बच्चों, तो पूरे स्फीयर पर क्या किया हुआ है, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यहां आप यूज करेंगे रो, और रो इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्यू क्या लिखते हैं हम, तो क्यू को हम लिखते हैं सर चार्ज, और वी को हम क्या बोलेंगे, वी वो वॉल्यूम होगा जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस रो को मैं क्या बोलूंगा बेटा, तो दिस रो इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहूंगा बच्चों मैं इसको, तो दिस इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर अपना प्यार जरूर दिखाएं अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आई। ऑल दो वन बाय वन जैसे जैसे मैं चैप्टर को कंप्लीट करते जाऊंगा, आई यूज ऑल दिस थ्री कॉन्सेप्ट वेरी इफेक्टिवली। अगर आपको ये चीजें याद नहीं भी रही तो मैं करवा दूंगा, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हमारा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग ऑन इट्स एक्सिस। देखो ये क्या है, तो ये एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, नेगेटिवली भी चार्ज हो सकती थी, लेकिन मैंने कैसा ले लिया बच्चों, इस रिंग को मैंने बोल दिया कि दिस रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी कौन सा है बेटा, तो ये वही है आपका पीयूसी, पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। इस पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब समझने का बात को ध्यान से, भाई सारा का सारा चार्ज जो Q है, सारा का सारा जो चार्ज क्या है बच्चों, आपका Q है, वो कहां डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस रिंग की लेंथ पर, राइट। तो यहां पर इस रिंग को हम पॉइंट चार्ज तो मान नहीं सकते, और तुम्हें फॉर्मूला एक ही पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या पता है तुम्हें, तो वो पता है सर KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों, तो लिख भी दे रहा हूं यहां पर, तो लिख दिया मैंने, देखिए जरा, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अब केवल पॉइंट चार्ज के लिए अगर एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों, केवल पॉइंट चार्ज के लिए, तो फिर तो तुम फंस गए। अब मैं जो जुगाड़ सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि ये जो रिंग है ये कैसे रही होगी। तो अगर बेसिकली इस रिंग को मैं कहीं से तोड़ दूं बेटा, तोड़ के अगर इसको ऐसे, ये रिंग है बेसिकली, और इसको मैंने कहीं से तोड़ा और ऐसे ओपन किया, तो ये कैसे खुलेगी, ये इसी तरह से खुलेगी, बोलो हाँ या ना, इस तरह का एक वायर जैसे खुल जाएगा बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर, 2πr के बराबर, बोलो हाँ या ना। और सारा का सारा चार्ज इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, लेंथ पर।
सबसे ज्यादा तकलीफ जो मेडिकल के स्टूडेंट की होती है, जब इंटीग्रेशन आ जाता है तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं और कहता है फिजिक्स समझ में नहीं आती। एज आई कीप सेइंग फ्रॉम डे वन, फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बारी है आपके अंडरस्टैंडिंग की। तो बच्चों में जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा यार, ये जो वायर आपको दिखाई दे रहा है जिससे इस वायर को पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये रिंग बन जाएगी। तो अब समझना बात को ध्यान से, ये जो वायर है, डोंट यू थिंक दैट जैसे ये पेन है, अब ऐसे बहुत सारे पेन, ये वाला पेन ऐसे बहुत सारे सिमिलर पेन को मैं जोड़ दूं तो सारे पेन जुड़कर एक बड़ी छड़ी बन जाएंगे कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कुछ बताऊं वो छड़ी किससे मिलकर बनी हुई है तो तुम क्या कहोगे कि सर बहुत सारे छोटे छोटे पेन से मिलकर बनी हुई है। अब सारा चार्ज क्यों अगर उस छड़ी पर है, पूरी छड़ी पर कितना चार्ज है क्यू, तो एक छोटे से सेक्शन को अगर बाहर निकालूंगा जो कि ये छोटा सा पेन होगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर जी इसके ऊपर चार्ज होगा कितना जी, तो बोलेंगे छोटा सा चार्ज, पूरा नहीं छोटा सा। कितना छोटा? तो कहेंगे डीक्यू चार्ज। कितना चार्ज कहेंगे बच्चों? डीक्यू चार्ज कहेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें जो करना है हम अब वहां बात करते हैं, उस डीक्यू चार्ज को मैं पॉइंट चार्ज कह सकता हूं और अगर मुझे पॉइंट चार्ज पता चल जाए तो आई हैव फॉर्मूला, इसे यूज करके मैं एनालिसिस कर सकता हूं। अब आप बिल्कुल बस बने रहिए मेरे साथ, डेरिवेशन कैसे आसान करना है, इंटीग्रेशन का फियर कैसे दूर हो सकता है, इंटीग्रेशन इतना आसान हो सकता है ये मैं समझाने जा रहा हूं आपको, देखिएगा जरा। तो व्हाट आई हैव टेकन, यहां पर मेरे पास एक एलिमेंट है बच्चों, रुकिए कलर बदल लेते हैं, आई हैव एन एलिमेंट हियर राइट, ये एक छोटा सा एलिमेंट, मैंने उसको देखिए येलो कलर से मैंने उसे मार्क कर दिया, एक छोटा सा एलिमेंट राइट, और इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ है वो है डीएल। कितना लेंथ है बच्चों? DL लेंथ है। और इसका चार्ज कितना है? तो यहां पर कंसीडर्ड क्या किया बच्चों, तो हमने कंसीडर्ड एन एलिमेंट, कंसीडर्ड क्या किया बच्चों, हमने एन एलिमेंट ऑफ लेंथ कितना, तो समझिएगा जरा, ऑफ लेंथ हमने यहां पर लिया DL एंड चार्ज उसका कितना है, तो मैं लिख दे रहा हूं एंड उसका जो चार्ज है बच्चों वो है DQ, छोटा सा चार्ज। वो कितना चार्ज है बच्चों? DQ। और बताओ यार अगर सारा का सारा चार्ज इस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो छोटे से एलिमेंट के पास छोटा सा चार्ज हुआ और छोटे से चार्ज को पॉइंट चार्ज हम मान सकते हैं। तो ये जो DQ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर एट पॉइंट P, किसकी वजह से, तो आप बोलेंगे सर ड्यू टू DQ विच इज An elementary charge will be given as, तो पहली बात देखो charge छोटा सा तो field should be छोटी सी, charge अगर छोटा तो field भी कैसी होनी चाहिए बच्चों? छोटी होगी। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको हम लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा के, यहां आता है देखो पिछली स्लाइड में आपको बताया था के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां पर आप क्या रखोगे, आप रखोगे छोटा सा चार्ज डी क्यू और होल डिवाइडेड बाय आपको रखना है आर स्क्वायर। आर क्या होता है, तो जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और जिस पॉइंट तक, देखो एक स्लाइड में मैंने जाके लिख के बताया था आपको आर क्या होता है, आर होता है बच्चों डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम क्यू, क्यू क्या है सोर्स, मतलब जिसकी वजह से फील्ड निकाल रहे हैं उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको बात समझ में आएगी यहां पर, देखिए तो अगर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो यहां पर ये मेरा चार्ज है जिसकी वजह से मैं यहां पर फील्ड निकाल रहा हूं, तो ये होना चाहिए सर आर स्क्वायर। बोलिए इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? अब अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, चलिए कैसे हम इसे डील करें। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप क्या लिखेंगे, अच्छा बेसिकली यहां पर जो आपका आर है उसे क्या लिखा जा सकता है, ये वाला एंगल आपका कितना हो गया सर 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, अंडर द रूट ऑफ हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? और ये वैल्यू है किसकी सर, ये है डीई की वैल्यू, ये क्या है आपका डीई, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे होगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये एरो में ऊपर की तरफ बनाता बच्चों, अंडरस्टूड और नॉट। अब अगर ये DE पता चल गया, जो यहां पर मैंने कहा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, बोलो आप इतनी बात मानते हो कि नहीं? चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके दो वेक्टर टूटेंगे, इसका एक वेक्टर अलोंग एक्सिस होगा और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा, कैसे अब उसको समझाता हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो वेक्टर टूटेंगे, एक वेक्टर टूट के जाएगा थीटा की तरफ बच्चों और एक वेक्टर टूट के जाएगा थीटा से अवे।
तो जो थीटा की तरफ जाता है वो हो जाएगा आपका, यू कैन से कि उसको हम बोलेंगे सर डी ई एक्स, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी डी ई कॉस थीटा। कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों? डी ई कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा की तरफ जाता है वो कॉस कॉम्पोनेंट होता है, और एक इसका कॉम्पोनेंट होगा बच्चों वाई डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी डी ई वाई, और ये हो जाएगा आपका DE sin थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? बड़े केयरफुल तरीके से बस देखते रहिए, एक एक बात आपको समझ में आएगी। आई प्रॉमिस यू इससे इतना आसान तरीके से आपने डेरिवेशन रिंग का आज तक नहीं देखा होगा। चलिए जी, सो यहां पर ये जो आपको मिला, अब एक्चुअल में आपका काम क्या है? एक्चुअल में आपका काम है कि ये जो DE है, अगर मैं रिजल्ट को लिखूं तो ये DE यहां से क्या हो जाएगा, तो K तो अपनी जगह रहेगा बच्चों, और DQ भी अपनी जगह रहेगा, और R स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा सर कैपिटल R स्क्वायर X स्क्वायर, और ये रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि R स्क्वायर हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये हो गया सर रिजल्ट अपना। अब करना क्या है, अब जो करना है उस पर बात करते हैं। एक्चुअल में टोटल फील्ड की अगर आप बात करोगे, क्या बात करोगे बेटा? टोटल फील्ड कहां पर? एट पी। तो टोटल फील्ड एट पी जब आप लिखोगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, वो होगा बेटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, ई एक्स प्लस ई वाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बोलो हाँ या ना? ई एक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्स डायरेक्शन, और ई वाई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी वाई डायरेक्शन। तो अब यहां पर समझो, अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, तो दिस शुड बी रिटन एज, दिस शुड बी रिटन एज। चलिए एक काम करते हैं, ये जो वेक्टर है इस पर से हटा देता हूं, क्योंकि जब मुझे एट लास्ट डेरिवेशन मिल जाएगा तब मैं फिर बोल दूंगा कि ये किस डायरेक्शन में है। तो ये ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, एक्स डायरेक्शन के जो फील्ड है उसको, एक्स डायरेक्शन में बहुत सारी छोटी 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 फील्ड होंगी, उन सारी छोटी छोटी फील्ड्स को आप ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये जो डी एक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? दिस कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगी सर आपकी डी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? ये वैल्यू यहां पर लिख के रखी बच्चों हमने, तो ये लिख दिया मैंने डी कॉस थीटा। अब समझिए जरा बात को, ये अगर आपने लिखा, अब इसके साथ साथ एक और बात लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सर EY, EY इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो हो जाएगा सर इंटीग्रल ऑफ DY, और जिसे क्या लिखेंगे बच्चों, तो दैट शुड बी रिटन एज DE sin थीटा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है वो क्या, उसको समझिएगा। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको समझना कैसे है, तो एक ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो EY है ना, ये EY का वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। अब ये बात सर कैसे हो गई, कैसे जीरो हो जाएगा? तो ध्यान देना यहां पर, एक्चुअल में जैसा एलिमेंट हमने यहां पर ऊपर लिया बच्चों इस रिंग में, ऐसा सिमिलर एलिमेंट यहां नीचे भी पॉसिबल है, देखो जरा हाँ या ना? ऐसा सिमिलर एलिमेंट कहां पर होगा बेटा? ऐसा नीचे भी पॉसिबल होगा, जिसकी वजह से अगर आप यहां पर एक एरो बनाएंगे तो वो एरो आपको इस तरह से मिलेगा। चलिए मैं बना भी दे रहा हूं, राइट, डिफरेंट कलर में ले लेता हूं, तो मैं बना के आपको दिखा देता हूं बच्चों की कैसे बनेगा। तो राइट, इसकी वजह से यहां पर एक एरो ऐसा बनेगा, और ये जो पर्पल वाला एरो जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके दो कंपोनेंट होंगे देखो, तो एक कंपोनेंट तो ये टूटेगा, पर्पल वाला कंपोनेंट जब टूटेगा तो एक्स डायरेक्शन में तो एडिशन हो जाएगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में ऊपर जाएगा बच्चों। तो चूंकि ये भी रेडियस आपकी आर ही होगी, ये डिस्टेंस भी एक्स होगा, तो ये सिमिलर आर होगा, ये आर और ये आर सेम है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डी, ये भी डी होगा बच्चों, और ये भी डी है, तो ये दोनों डी, तो इसके एक्स कंपोनेंट्स तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन वाई कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? All the time cancel होंगे। तो for every element on the ring, there is opposite element due to which perpendicular component of the electric field will be cancel out। बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? EY is zero as there is क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। इस EY को हम जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस EY के लिए हर एक element के लिए एक ऑपोजिट एलिमेंट अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो EY तो हो गया बच्चों जीरो, यहां पर बचता है केवल आपका EX। EX इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ DE cos थीटा, और DE का वैल्यू आपके पास ये रहा बच्चों, ऊपर से उठाकर रख देते हैं, तो DE का वैल्यू हो जाएगा सर K, ये हो जाएगा बच्चों DQ होल डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे सर कैपिटल R स्क्वायर, प्लस हो जाएगा सर X स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहां पर cos थीटा, तो वो cos थीटा मैंने एज इट इज रख दिया।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक्चुअली मैं प्री रिटर्न भी लेके आ सकता था, लेकिन आपको फील आए कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मेडिकल का बच्चा हमेशा डेरिवेशन से डरता है। और वैसे भी बाय द वे जो 12th गोइंग स्टूडेंट है वो इसको देख रहे हैं, तो ये बोर्ड्स में आता ही आता है बच्चों, तो यहां से बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो रही है, आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखिएगा। चलिए तो ये जो रिजल्ट आया हमारा, इसको यहां से उठाकर इधर लेके आते हैं। चलिए क्या रिजल्ट आया बच्चों आपका, आपका रिजल्ट आया सर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के, ये हो जाएगा सर आपका डी क्यू होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अपनी जगह था बच्चों, यहां पर क्या लिखा था, यहां पर लिखा था आपने कॉस थीटा, क्या लिखा था बच्चों कॉस थीटा। तो क्या इस डायग्राम में जाकर, इस डायग्राम में जाकर अगर मैं इसको पॉइंट ओ बोल दूं, ये पी है, और अगर इसको मैं पॉइंट एम बोल दूं, तो इस ट्रायंगल ओ पी एम में, इस ट्रायंगल ओ पी एम में आप यहां पर क्या लिख सकते हैं सर, दिस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा। क्या होगा तो इस थीटा के लिए ये हो जाएगा बच्चों एक्स बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी आपकी आर, तो ये हो जाएगा सर आपका एक्स डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/2। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं, तो ये जो कहानी आपको समझ में आई, तो यहां पर कॉस थीटा की जगह मुझे लिख देना है सर एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी होगी बच्चों 1/2 होगी। तो बेसिकली ई एक्स आपका कितना हो जाएगा, तो बेसिकली आपका जो ई एक्स है वो हो जाएगा सर यहां पर कितना है, तो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस इज आपका के, ये हो जाएगा बच्चों डी क्यू और होल डिवाइडेड बाय, देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी होगी बच्चों 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। बोलो बच्चों फ्यूचर डॉक्टर्स बात समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर बता दीजिएगा बच्चों। तो यहां पर अब आपको एक पीछे ले जाकर जरा बात समझाता हूं, यहां पर एक्स भी है बाय द वे। अब देखिए एक बात अगर आप समझो, तो भाई इस चार्ज को यार ऐसी रिंग है मेरे पास, राइट, कैसी रिंग है, इस तरह की रिंग है, और उस रिंग में मैं पेरिफेरी पर ऐसे घूमूंगा, जब पेरिफेरी पर मैं ऐसे घूमूंगा तो मैं चाहे टॉप पॉइंट पर हूं, चाहे मैं यहां पर हूं, चाहे मैं नीचे हूं, चाहे मैं यहां हूं या वापस यहां आ जाऊं, जब मैं रिंग की पेरिफेरी पर घूमूंगा तो मेरा एक्स बदलेगा क्या बच्चों, एक्स नहीं बदलेगा। क्या मेरा आर बदलेगा, आर भी नहीं बदलेगा, एक्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और ये के तो पहले ही कांस्टेंट होता है। तो यहां पर जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो के एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, पूरा कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल में वेरिएबल केवल एक बचेगा डी क्यू। अब इसको समझते हैं कि सर ये जो dq है, ये dq क्या करें हम, तो जब आप यहां पर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर थे, यहां से जब चलकर टॉप मोस्ट पॉइंट से जब चलकर ऐसे पूरी रिंग को कवर करोगे बच्चों तो क्या होगा, तो आपको समझना चाहिए वहां पर जब हम पूरी रिंग कवर करके आएंगे तो हम पूरी रिंग का चार्ज कवर कर चुके होंगे। मैं बहुत छोटे चार्ज से चला, मैं जीरो से चला, और घूम कर जब मैंने पूरी रिंग कवर कर दी तो कितना चार्ज कवर कर दिया, तो मैं जीरो से चला था और मैंने टोटल चार्ज क्यू कवर कर दिया बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट है ex is equals to वो हो जाएगा k, ये हो जाएगा x होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और यहां पर इस dq का जो इंटीग्रेशन है वो केवल और केवल q हो जाएगा बच्चों, लिमिट हो जाएगी 0 से q। आप जब इसको रखेंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। सो दिस इज आपका ex और ये हो जाएगा बच्चों आपका k, और ये q माइनस जीरो होगा, तो बेसिकली q बचेगा, ये हो जाएगा k q x डिवाइडेड बाय, दिस विल बी आपका r स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों x स्क्वायर, और होल टू दी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, अगर बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बता दीजिए कि बात आपके समझ में आ गई। तो ये है बेसिकली आपका रिजल्ट। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं सर, डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो डायरेक्शन के बारे में ख्याल करते हैं। देखिएगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया है बच्चों, इसकी डायरेक्शन, तो अगर आप यहां पर बात करेंगे किसके लिए, तो पहला हम बात करेंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज, किसके लिए बात करेंगे बच्चों फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्टेड अवे, कैसी होगी बच्चों डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग,
डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, और कहां पर? अलोंग द एक्सिस होगा. और दूसरा, अगर ये इस रिंग का चार्ज कैसा हो जाता, इस रिंग का चार्ज हो जाता नेगेटिव, तो आप यहां पर लिखेंगे सर फॉर नेगेटिव चार्ज तो क्या हो जाएगी बच्चों, तो फॉर नेगेटिव चार्ज दिस विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएगा बच्चों. अपने एक्सपीरियंस से मैं सारी बातें इंसर्ट कर रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने में और कई सारे बच्चों को जो डाउट्स होते हैं वो यहां पर इन्वॉल्व किए हुए हैं. तो ये होगा सर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, डायरेक्टेड कहां पर होगा बेटा, टूवर्ड्स सेंटर. डायरेक्टेड कैसा होगा तो आप बोलेंगे सर टूवर्ड्स सेंटर ऑफ रिंग. अगर चार्ज आपका नेगेटिव तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स, और अगर आपका चार्ज कैसा पॉजिटिव तो डायरेक्टेड अवे. अब आपको एक मजेदार बात समझाता हूं. ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के, जब मैं यहां पर अगर इसके मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं बच्चा, कि ये मैक्सिमम कहां पर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी, तो आपको यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके मैक्सिमा की कोई बात करता है तो आपको एक बहुत बात फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बात कर लेते बच्चों हम यहां पर, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यार एक बात स्पष्ट है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज अ फंक्शन ऑफ, ये क्या है बच्चा, फंक्शन ऑफ एक्स है. मतलब अगर आप पीछे चलिए इस डायग्राम में देखिए, अगर आप इस एक्स को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि यहां देखो रिजल्ट में एक्स पर डिपेंडेंसी है. तो अगर आप x को वेरी करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, और मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं बस लिख के बता रहा हूं, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको dE डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा. That is आपको लिखना पड़ेगा बच्चों d डिवाइडेड बाय dx, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए के क्यू एक्स होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. इसको जब आप इंटीग्रेट करके जीरो करेंगे तो यू गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2. दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ x एट विच फील्ड विल बी मैक्सिमम. क्या होगी बच्चों, फील्ड विल बी मैक्सिमम, और कितनी मैक्सिमम होगी, तो आप बस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है, इसमें x की जगह r by 2 रख दीजिए, यू विल गेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. अंडरस्टूड? अब हमें यहां पर क्या करना होता है, वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. अब समझिएगा, जब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये बनाई बच्चों मैंने रिंग, ये क्या बनाई मैंने यहां पर रिंग बना ली. अब यहां पर थोड़ा सा जो है, मैं कोशिश करता हूं कि रिंग मेरी जो है 3D में आपको विजिबल हो, ढंग से जरा दिखाई दे, तो आई ट्राइड माय बेस्ट एक्चुअली. राइट, अब यहां पर देखिएगा, ये जो रिंग है आपको दिखाई दे रही है बच्चों, राइट, इस रिंग को देखिए, ये रिंग का यहां पर क्या है सर, तो दिस इज एक्सिस ऑफ द रिंग, और इस तरफ भी आपका एक्सिस ऑफ द रिंग रहेगा. अब समझना, यहां पर मैं आपको कुछ नोट पॉइंट्स बता दे रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा नोट पॉइंट्स. कोई भी वेक्टर अगर कैसा होता है, डायरेक्टेड राइट साइड, कैसा वेक्टर हो बेटा, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वो डायरेक्टेड कैसा हो, राइट साइड, तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड कैसा हो बच्चों, लेफ्ट साइड, तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे. बस इस बॉक्स को ध्यान में रखना, और क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर राइट साइड डायरेक्टेड होता तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और कोई भी वेक्टर अगर लेफ्ट साइड डायरेक्टेड होगा तो हम उसे नेगेटिव लेंगे. दैट्स इट, बस इतनी सी बात आपको समझनी है और आप सॉल्व कर पाएंगे इसको. तो यहां पर अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट को अगर देखूं, जो कि मेरे पास कितना था, तो रिजल्ट में यहां पर लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना था, तो वो था यहां पर रिजल्ट, बेसिकली मैं ऊपर लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वो था सर के क्यू, और यहां पर था सर एक्स होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर. अब समझना बात को ध्यान से, राइट, पावर कितनी थी उसकी 3/2, जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, राइट. अब अगर आपका पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जो कि ये यहां पर है, राइट, ये पॉइंट अंडर कंसिडरेशन बहुत पास आ जाए, कहां आ जाए बच्चों, बहुत नजदीक आ जाए, तो बहुत नजदीक जब आ जाएगा उस केस में आप क्या बोलोगे सर, कि x का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा r के कंपैरिजन में. और जब x का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा r के कंपैरिजन में, तो देखिएगा जरा आप क्या लिखेंगे, अगर अगर बच्चों
यहां पर समझने का बात को, अगर अगर आपका इफ इफ की कंडीशन लगा दे रहा हूं, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, तो ये जो बेसिकली आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल आर स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक्स तो बहुत छोटा हो गया, एक्स तो बहुत छोटा हो गया और इस बहुत छोटे का स्क्वायर भी है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट दिस, इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करके क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो यहां जब आप आर स्क्वायर इनपुट करोगे ना बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, एट एक्स इज वेरी वेरी लेसर देन आर, वहां केवल बचेगी कितनी बच्चों, बचेगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर का क्यूब और इनटू में एक्स हो जाएगा। यहां पर आप आर स्क्वायर रख के सॉल्व करेंगे, उसकी पावर 3/2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स। मतलब अगर आप यहां पर देखें तो ये क्या हो रही है सर, बहुत छोटे से रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बहुत छोटी सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो अगर मैं इस सेंटर से राइट साइड देखूं, चूंकि ये रिंग मैंने कैसी ली थी बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो सेंटर से राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड होगी, और अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो सेंटर से बिल्कुल इधर ये कैसी होगी, इस तरफ डायरेक्टेड होगी। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऊपर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी। अब यहां से जो कि एक्चुअल रिजल्ट पर अगर आप फोकस करोगे तो ये एक्स की किसी राइट ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ना एक्स की पावर के साथ, मतलब एक्स की किसी और पावर के साथ प्रोपोर्शनल है, बेसिकली पॉलीनोमियल फंक्शन है बच्चों। तो ये जो डायग्राम यहां पर है राइट, कलर जो है बदल लेते बच्चों ताकि आपको चीज समझ में आए। तो इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएगा, मैक्सिमम होगा कहां पर, मैक्सिमम होगा तभी कैलकुलेट करके बताया था, मैक्सिमम होगा एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पर, और फिर आगे जाके कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे वैसे वैसे ये डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा बच्चों, और जब ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत कम होने लगेगी, तो ये क्लोज टू जीरो हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, क्लोज टू जीरो। सिमिलर टू दैट अगर आप बात करेंगे, क्योंकि ये रिंग यहां पर है और इस रिंग के राइट साइड और लेफ्ट साइड यहां हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इस तरफ भी सेम डायग्राम बनेगा। मैं फिर से कलर जो है बदल लेता हूं बच्चों ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। चलिए ये जो है डायग्राम इस तरह से मूव ऑन कर जाएगा। यहां पर भी क्या है सर, तो यहां पर भी आपका x इक्वल टू कितना होगा, तो ये होगा माइनस आर बाय टू, क्योंकि ये जो बेसिकली है इसको मैंने ओरिजिन लेना है और इस तरफ मैंने लेना है, यहां पर मैंने ली है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ राइट, और ये जो है मेरा 0.0 ओरिजिन है, तो इधर है क्या बच्चों, इधर है मेरा पॉजिटिव और इस तरफ है नेगेटिव, तो मैं लिख भी दे रहा हूं इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव है बच्चों, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, तो मैंने लिख भी दिया इसको कि ये नेगेटिव है। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन फॉर द रिंग। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो एक्सेप्ट दिस, तो ये जो है बच्चों आप लोगों को मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करके इस रिजल्ट को लाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाए कि हम सर इसमें तकलीफ हैं, तो मैं आपके लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा बच्चों वेरी सून। अंडरस्टूड और नॉट, तो ध्यान दीजिएगा जरा चीजों को हमने कैसे किया, गेट इट और नॉट राइट। और एक बात और जरूर, आप लोगों से मुझे, आप जब अपना पर्टिकुलर जब इस नोट्स को डाउनलोड करेंगे, जब ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, तो मुझे आपसे एक पर्टिकुलर बात यहां पर कहनी, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे बच्चों, कि ये एक्स का वैल्यू आर बाय रूट टू, एक्स का वैल्यू आर बाय रूट टू इस रिजल्ट में रख के आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जरूर पुट करिएगा कि वो क्या रिजल्ट आता है, एंड लेट मी नो कि आप करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिला। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन मैंने रिंग के लिए आपके लिए किया है, रिंग के एक्सिस पर जो किया है, वो बात आपको बखूबी समझ में आई होगी, कोई तकलीफ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या होगा। हाँ एक बात और जरूर बताना भूल गया, यहां देखिए अगर ये रिजल्ट अगर है और अगर x क्या हो जाता है बच्चों, अगर ये x जीरो हो जाता है, मतलब यहां पर, तो अगर x जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसीलिए मैंने यहां पर इस तरह से बनाया, और बहुत छोटी सी वैल्यू ऑफ x के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बहुत छोटी सी वैल्यू ऑफ x के लिए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने रेड कलर से, बी केयरफुल। चलिए राइट आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट हमें जो बात करनी है बच्चों, हमें करना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर। क्या करना है बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू एन आर्क इट्स सेंटर। तो बस थोड़ी सी गाइडलाइंस दे रहा हूं और ये डेरिवेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जैसा रिंग के लिए किया वैसा ही इस आर्क के लिए करना है। तो ये है आपके लिए होमवर्क, डेरिवेशन है, इसका रिजल्ट मुझे आपसे चाहिए, क्या रिजल्ट आएगा। ऑल्दो मैं लिख दूंगा रिजल्ट को कि रिजल्ट होगा क्या, राइट। तो समझना है ये आर्क भी कैसा होगा बच्चों, आर्क भी ऐसा पॉजिटिवली चार्ज है, ये आर्क भी कैसा है सर, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे रिंग किससे मिलकर बनी थी, रिंग भी एक लेंथ वाला सिस्टम है, सिमिलर टू दैट ये आर्क भी कैसा होगा बेटा, एक लीनियर सेगमेंट से मिलकर बना होगा। ये भाई ये आर्क मतलब बेसिकली क्या, इसको पकड़ के ऐसा खोल दो तो ये भी क्या बनेगा, एक वायर ही बनेगा, जिसके पास बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे और बहुत छोटे से सेगमेंट के पास बहुत छोटा सा चार्ज होगा, और वो सेगमेंट मैंने यहां पर राजा लिया हुआ है, देख जरा तो बात समझ में आएगी, वो सेगमेंट कहां गया, तो ये रहा सेगमेंट, राइट। देखिए जरा ये रहा वो सेगमेंट, ये छोटा सा सेगमेंट, और इस छोटे से सेगमेंट का चार्ज आप कितना बोलोगे, तो इसका चार्ज आप बोलिए dq, कितना चार्ज बोलोगे बच्चों dq। ये वाला एंगल बेसिकली d थीटा है, ये वाला, और ये जो dq है ये थीटा आपका, ये जो रेफरेंस एक्सिस है, इसको मैंने रेफरेंस बोल दिया, रेफरेंस एक्सिस से थीटा एंगल पर सिचुएटेड है। कौन सा चार्ज बच्चों, dq चार्ज। अब इस dq चार्ज के लिए यहां पर ये रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस होगा, क्योंकि ये सेंटर है, ये क्या है बच्चों, आर्क का सेंटर है, c लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, राइट। तो ये वाला अगर r है तो ये भी r होगा, ये सारे सारे r होंगे। अब करना क्या होगा आपको यहां पर, इसका अगर चार्ज dq है और इसकी लेंथ मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इसकी लेंथ हमने बोल दिया मान लीजिए dl, क्या बोल दिया बच्चों, लेंथ dl। तो हमेशा की तरह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर होगी, ये वेक्टर, ये DE होगा, क्या होगा बच्चों, DE। और इस DE को जब आप लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर K, और ये हो जाएगा आपका DQ, और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहां पर एक तकलीफ है, तकलीफ क्या है, जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, मैं उतना आपको करके बता दे रहा हूं जितने के आगे जब आप खुद करोगे, क्योंकि देखिए ये है डेरिवेशंस, और अगर डेरिवेशंस की अप्रोच अगर आपको आती है तो आपका एम्स और जिपमर का रास्ता क्लियर होगा बच्चों, क्योंकि वहां पर फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें डेरिवेशनल अप्रोच आपको पता होनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने डेरिवेशंस इंक्लूड किए हैं आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली, राइट। अब इस ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी भी देखो, अभी भी अगर आप देखोगे तो यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों, यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक बनेगी एक्स एक्सिस में जिसको आप बोलोगे बच्चों dEx, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, तो ये हो जाएगा सर आपका dE cos थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका, दिस इज dE साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर dy के बराबर, बोलो हाँ या ना। लेकिन अब यहां पर करना कैसे है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां लेके चलता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू, दो बातें होंगी बेटा, ex वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका ey वेक्टर, जिसमें आप ex को क्या लिखेंगे, तो ये होगा इंटीग्रल ऑफ dx, जिसको आप बेसिकली लिखेंगे सर ये हो जाएगा आपका dE cos थीटा, और अगर आप यहां पर ey की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका dEy, और इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों dE sin थीटा। बात समझ में आ रही है राजा। अब करना क्या है यार, अगर आपको ex कैलकुलेट करना, वन बाय वन कैलकुलेट करते, पहले कैलकुलेट करते ex, राइट। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, वहां तक पहुंचा रहा हूं जहां के आगे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो ex के लिए आप क्या लिखोगे सर, dE का वैल्यू कितना था बच्चों, k, ये था dq होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और यहां पर था cos थीटा। चलिए अब अगर आप यहां पर देखें तो एक्चुअल में ये एलिमेंट मुझे यहां नहीं रखना है, इस एलिमेंट को मुझे इस तरह से रन करवाना है कि ये पूरा का पूरा आर्क कवर हो जाए। मतलब अगर मैं इस एलिमेंट को यहां पर लेके आ जाता हूं तो ये थीटा मेरा जीरो हो जाएगा, देखो ऐसे नीचे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, यहां थीटा जीरो हो गया। अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, और यहां लेके आ जाता हूं, जब यहां लेके आऊंगा तो ये थीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक तरह से ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अपर लिमिट, ये क्या हो जाएगी बच्चों, दिस इज आपकी अपर लिमिट, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अब अगर जब आप इस एलिमेंट को यहां से नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, यहां लेके आए, तो यहां पर एग्जैक्टली इस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो।
लेकिन अगर कोई चीज जीरो से भी कम हो तो फिर तो वो नेगेटिव होती है। तो यहां से जब आप नीचे जाएंगे इस आर्क को कवर करने के लिए, ऐसे नीचे जाएंगे जब आप यहां पहुंचेंगे एग्जैक्टली, तब आपका जो है, सॉरी बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस बीटा। और इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज आपकी लोअर लिमिट। एक्चुअल में अगर आप यहां पर देखें तो थीटा जो है वो क्या है, वेरिएबल। मतलब इस केस में आप इस कॉस थीटा को कांस्टेंट नहीं ले सकते, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो। कांस्टेंट कौन है बच्चों, के कांस्टेंट है और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट है। इंटीग्रल में बचेगा क्या, इंटीग्रल में बचेगा डी क्यू, और इनटू में क्या बचेगा, सॉरी बच्चों आपके पास यहां पर क्या है सर, तो आप लिखेंगे, देखिए यहां बचेगा सर आपका dq और इनटू में बचेगा बच्चों cos थीटा। अब बात समझने वाली है यार, यहां पर क्या है cos थीटा और यहां पर क्या लिखा dq। अब मजबूरी है हमारी, यहां पर हम थीटा को q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या होगा। इसे करने के लिए एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वी नीड टू चेंज दिस dq, समहाउ इस dq को d थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो dq को मैं लिखूंगा बच्चों लैम्डा इनटू में dl, एज लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री चार्ज, और ये लैम्डा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क। अंडरस्टूड और नॉट। और अगर आप यहां पर देखें तो छोटा सा एंगल जो होगा डी थीटा, उसको आप क्या बोलोगे, तो वो हो जाएगा आपका आर्क डीएल डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आप डीएल को क्या लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा बच्चों आपका आर डी थीटा। तो बेसिकली अगर आप सारी बातों को क्लब करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका ई एक्स इज इक्व टू के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, तो डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डीएल, लेकिन डीएल कितना हो जाएगा बच्चों आर थीटा। तो मैं लिख दे रहा हूं बस, सोल्यूशन आपका पर्पस होगा, दिस इज लैम्डा इंटू में हो जाएगा डीएल, और डीएल की जगह मैंने लिख दिया बच्चों आर डी थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। अब समझना बात को ध्यान से, आपको इंटीग्रेट किसको करना है, कॉस थीटा को। तो मैंने डी थीटा बना दिया कि नहीं बनाया, क्यों बनाना पड़ा ये समझ में आया, बना कैसे ये समझ में आया, तो इंटीग्रेशन तो कर लेगा राजा। लैम्डा और आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स जो बनेगी वो बनेगी सर के क्यू डिवाइडेड बाय आर, लैम्डा बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रल में केवल क्या, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और लिमिट्स क्या डालनी है, तो बस लिमिट्स एक बार बता दे रहा हूं, अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया, लिमिट्स अपर लिमिट हम रखेंगे अल्फा, पॉजिटिव अल्फा, और लोअर लिमिट हम रखेंगे नेगेटिव बीटा। क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव ये भी समझाया, तो नेगेटिव यहां पर लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस बीटा, और पॉजिटिव लिमिट हो जाएगी प्लस अल्फा। जिस तरह से मैंने ई एक्स बताया है, सिमिलर टू दैट आप ई वाई करेंगे, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। सो लेट मी नो नेक्स्ट क्लास तक, ये आपका होमवर्क है। और इसके साथ साथ आपको ये भी करके लाना है, राइट, ये भी आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है। तो ये दोनों ही डेरिवेशन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, नहीं बनेंगे तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप घर पे बैठकर इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आपने कर दिए तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन खुशी की बात होगी बच्चों की आपने कर दिए। तो अलविदा लेता हूं बच्चों मैं यहां पर आपसे, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बस पढ़ाई करते रहे, और अपना प्यार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के लिए, हमारी बेहतरीन और सॉलिड टीम के लिए इसी तरह से दिखाते रहें। जल्दी से टाइमिंग नोट कर लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेनसडे 4, 5, 6 PM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और 12th स्टैंडर्ड में फ्राइडे सैटरडे संडे 4, 5, 6 PM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। जो पूरी टीम है बच्चों हमारी, माई सेल्फ सचिन सर, डॉक्टर सचिन कपूर, जिन्होंने एक ही साल में एम्स में, डीपीएमटी में और AIEEE में कंटिन्यूअस ऑल इंडिया रैंक वन प्रोड्यूस करी है बच्चों, एक ही बच्चे की कंसिस्टेंट तीनों रैंक, बहुत बहुत बड़ी बात है। वही टीचर आपको ट्रेन कर रहा है यहां पर। मैंने भी कितने ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाए हैं, अश्विनी सर उन्होंने भी कितने ही डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाए हैं। तो ये सॉलिड टीम आपको यहां पर डॉक्टर और डॉक्टर बनाने के लिए, आपके एम्स के सपने को पूरा करने के लिए तैयार है बच्चों। बस आपको हमारे इस मिशन में पार्टिसिपेट करना है। ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और ये बेल आइकन दबा दीजिए। कई बच्चों ने सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है। ये नहीं दबाओगे तो हम क्या करने
वाले हैं ये आप तक नहीं पहुंचेगा, और जब आप तक नहीं पहुंचेगा बेनिफिशियरी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन हमारे आप तक पहुंचे। आप डाउट पूछने के लिए ये टेलीग्राम ऐप अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें बच्चों, इस लिंक को यहां से उठाकर अपने फोन के ब्राउजर में डालें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और आप अनलिमिटेड डाउट पूछने का बेनिफिट ले सके। 2500 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आप जब प्लस के लिए जाते हैं बच्चों, जो कि आपको बता रखा है प्लस क्या कमाल की चीज है, क्योंकि यह है अनअकैडमी, अनबीटेबल, अनमैचेबल, अनबिलीवेबल, तो आपको प्लस लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, और दैट इज व्हाट, आपको नीट लाइव, ये हमारी सॉलिड टीम की तरफ से आपको एक तोहफा है बच्चों, नीट लाइव का कोड आपको यूज करना है, जिससे आपको एडिशनल 10% बेनिफिट्स मिलेंगे, और ये रिवॉल्यूशनरी एजुकेशन आप तक पहुंचेगा बच्चों बहुत किफायती दामों में। As I keep saying, education पर इन्वेस्ट किया गया पैसा 1000 times रिटर्न में मिलता है बच्चों। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, बहुत 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 शुक्रिया बच्चों पूरी अनअकैडमी नीट टीम की तरफ से, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों। एक घंटे से ज्यादा हो गया, हाँ कितना, घंटा 10 मिनट।